सारी वाणा ने राम राम और एक कार्तिक स्नान की बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगा। पसंद आया सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो। एक परिवार में बहुत समय पहले की बात से एक बुढ़िया और एक उसकी बहू रहा करती। तो वह बुढ़िया बोली आपकी बहू ने आके, बेटा मैं कार्तिक स्नान करना चाहूँ। तो उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील, संस्कारी, बहुत अच्छी बहू थी। तो बोली सासू ने, सासू माँ मैं भी स्नान करूँगी। तो बोली बेटा तेरी तो बगणी है, उम्र पड़ी है, और तू कार्तिक स्नान करेगी तो फिर घर में काम कौन करेगा, तू फिर कर लिए तो मैं कर आऊँ। तो बहू बोली ठीक से भाई। तो वह सासू कार्तिक स्नान करन चली गई। तो बहू का बहुत मन में कार्तिक स्नान करन की, उसका यह मन में मैं भी कार्तिक स्नान करूं। और सासू गई नाट, तो उसने सोची घर में बर्तन में पानी पाओगे कि मैं, तो सुबह उठ के नरे उस दिन स्नान कर ली और पूजा पाठ कर ली। तो वह अपने उठ के नरे बर्त, सासू तो कार्तिक नान नदी पर चली गई और बहू तो बैठ बर्तन में देख के कार्तिक नान खातर पानी देख के, और एक बर्तन में थोड़ा पानी मिलो, उस बर्तन ने लेके नर बैठ गई नान खातर। आगे कार्तिक देवता ए गंगा माई, मैं कार्तिक करूँ स्नान, कार्तिक का स्नान करूँ, तू मेरे घर पधार। तो उसकी इतनी शक्ति थी उसकी भक्ति में, गंगा माई खुद उसका घर ताई पहुँच गई बैकी ने, और उसका पानी का सारा बर्तन भर गया, सारा पानी का बर्तन भर गया। तो बहू रोज न्यू ही स्नान करे और उसका खूब अच्छी नाव गणे गणे पानी थी, क्यों गंगा माई खुद उसका घर में आ गई। तो एक दिन सासू स्नान करे और उसको नदी में उसकी नत पड़ गई नाक की, तो उसने पानी बहती देखी नहीं, पकड़न की बहुत कोशिश करी लेकिन उसका थ्याई कोनी। तो सास बहुत परेशान होगी कि मेरी तो, मैं तो आई गंगा स्नान करने, कार्तिक स्नान करना, मेरी तो नथ भी पड़ गई। और जब वह पानी के साथ बह की बहू स्नान करे थी तो बहू का आगा आ गई, वह उसकी नथ सास की घर में ही आ गई। घर में आ गई तो वह नथ दिखी तो बहू ने पिछाण ली, अगे तो सासू माँ की नथ से। उसने ठा के नर अपने दर्दी वा दर्दी। तो सासू आई घर ने, आई तो बहुत उदास। बहू ने सोची आज तो माँ जी उदास है। उसने बुझी कारण बुझो भाई इतनी माँ जी उदास कैसे है। तो उसने बता दी सासू माँ ने पूरी बात आपकी बहू का आगे बता दी कि मैं तो इस तरह स्नान करने गई थी और मेरी नथ गिर गई नदी। तो बहू ले आई काढ़ की नथ। सासू माँ यह रही आपकी नथ। तो बोली यह तो मैंने खुद पानी बहती हुई देखी थी, अरे यह तेरे कन किस तरह पूछ गई। तो फिर बहू ने फिर सारी बात बताई आक मैंने न्यू कार्तिक स्नान करूं थी, अपने घर में ही गंगा बह की आई, पानी का साथ ही न थाई, पानी का साथ न थाई। बोली मन गई पा। तो सासू यह बात सुन की बहुत खुश हुई, उसका मन में यह हुई आक देख मेरी बहू की, मैं कितनी ईमानदार से, मेरी बहू कितने मन की साफ से, गंगा माई खुद मेरे घर ताई चाल की आई, बहू को कार्तिक स्नान करायो, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। मन में करके नर बोली, बहू ने बोलिया भाई दोनों कार्तिक स्नान करांगा। तो दोनों सासू बहू कार्तिक स्नान करें और दोनों मिल की पूजा पाठ करें, और दोनों की बहुत, दोनों सासू बहुआ का बहुत फायदे हो, गंगा मैया ने बहुत शक्ति दी उन ताई। हे गंगा मैया जिस जिसा दर्शन बहू ने दिया इस सारे भक्ता ने इसा दर्शन दिए। सारी बाणा ने राम राम। कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो।